अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक बड़ी अफसोसनाक खबर पर, क्योंकि आज से 4 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी शाहिनातगंज पीएस लिमिट से, जहां पर जो है दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है, दो दोस्तों की गैंग में आपस में झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े को देखकर मोहल्ले में रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम मुजीब था, जिसकी उम्र 21 साल थी, ये झगड़े को छुड़ाने के लिए मुजीब बीच में आता है, वो शख्स के ऊपर भी जो है जानलेवा हमला कर देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज इलाज के दौरान जो है इस नौजवान की मौत वाकई हो गई उस्मानिया हॉस्पिटल में। तो बहरहाल बीच में जाने की इतनी बड़ी सजा मिली इस नौजवान को। आइए बड़े अफसोस के साथ ये खबर हम आपको दिखाते हैं उस्मानिया हॉस्पिटल से। मेरा नाम रहमत खान है, मैं बैजवाली से हूँ। परसों जो बैजवाली में जो झगड़ा हुआ मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ दो बच्चों के बीच में, बस्ती के बड़े लोग उसको जहाँ का वहाँ सुलह करवा दिए, उसके बावजूद फिर एक बच्चा अपने जिसका नाम शोएब है, वो अपने रिलेटिव को बुलाया, रिलेटिव बुला के यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास, वो टाइम पे कोई भी नहीं थे, सब दावतों से आए 3:30-4 बजे, आते की बातचीत कुछ भी नहीं की, अचानक 4 लोगों को इंजर्ड कर दिए, जिसमें से आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या नाम उसका? दो अभी हॉस्पिटल में, हाँ मुजीब जो लड़का है उसका इंतकाल होगा, अभी दो जेरे इलाज है हॉस्पिटल में। ये हादसा हफ्ते की शाम में हुआ है। ये लड़ाई नहीं, आपसी थी और कुछ भी बात नहीं, बच्चे छोटे जी नहीं मुजीब खान से, ये जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए ना, ये जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए उनसे लड़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ जो छुड़ाने वाले अनजान, जैसा कि लड़ी तो क्या हुआ भाई, छुड़ाने जो जाते ना वो लोग पे हमला हुआ ही है। जो आ रहे थे मारने थे भाई लोग, मारे सर एक 5-6 लोग थे, बस्ती के लोग आए नहीं, बाहर के लोग थे, बाहर के लोग थे, बाहर के कोई जानते नहीं पहचानते नहीं बच्चे को कोई। वो आप लोग आए, अपने अपने बच्चों को ज़रा सही तरीके से तरबियत दीजिए, ऐसा दूसरे बस्तियों में जाके मारना करना वो तो क्या है, ये माँ बाप की गलती है, माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को सही तरबियत देना। पूरा एक, आज आप आपके आपकी तरबियत नहीं है, बच्चा एक बच्चा एक माँ बाप अपने नौजवान बच्चे को खो दिया आज, दीनी तालीम की दूर है, दीनी तालीम से बहुत दूर हो गया हमारी कौम के लड़के, खाली रातों में चबूतरों में बैठना, मंदखा मारना, सिगरेट पीना, होटलों में, शहनाजगंज पुलिस से गुजारिश है, समझे नहीं, ये रातों में जो बैठना, हर पीएस से गुजारिश है, रातों में जो बैठ रहे चबूतरों में, जो समझे नहीं, हंसी मजाक में लड़े झगड़े जा रहे हैं, अदबन पुलिस से गुजारिश है कि इस पे कंट्रोल करिए। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।